क्या आपके शरीर में दर्द रहता है? आपके हाथ में, पैर में, कुल्ले में, घुटने में, सबसे ज़्यादा तो घुटने में ज़्यादा दर्द है और जिसके लिए आप बहुत सी दवाई खाते हो, फिजियोथेरेपी के पास जाते हो, लंबे समय से फिजियोथेरेपी करा रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सी नेचुरल रेमेडी या नेचुरल चीज़ बताऊँगा जिसको कहते हैं सेंधा नमक। और ये आपने, मैं कहता हूँ, सबने सुना है और खाया भी है लेकिन आप ये नहीं जानते कि सेंधा नमक से आप शरीर में कैसा भी दर्द हो, कितना भी पुराना दर्द हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन इस्तेमाल कर लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप इतने पेन किलर खा रहे हो लेकिन उससे क्या हो रहा है कि आपकी किडनी को नुकसान हो रहा है, आपके लीवर को नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है। यदि मैं बात करूँ आज से 30 से 40 साल पहले हमारे घरों में सेंधा नमक का इस्तेमाल होता था लेकिन आज धीरे धीरे कहाँ है सेंधा नमक, कभी याद आता है नवरात्रों में। ये सोचने वाली बात है कि आखिर नवरात्रों में सेंधा नमक क्यों खाया जाता है? क्योंकि सेंधा नमक बिल्कुल प्योर होता है और यदि आप सेंधा नमक खाने में भी इस्तेमाल करोगे तो आप पता नहीं अनगिनत बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हो। और जो आने वाली भविष्य में, फ्यूचर में बीमारी है जैसे हाई बीपी से आप छुटकारा पा सकते हो। यदि आपको कोई गुर्दे में रोग है वो, उसमें तो रिजल्ट आएगा ही, इन फ्यूचर आपको कोई गुर्दे का रोग नहीं होगा। कहने का मतलब है कि सेंधा नमक के फायदे ही फायदे। अब बात करेंगे हम दर्द में कि दर्द में काम कैसे करता है। यदि मैं आपको बताऊँ, आप मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको घुटने में दर्द है तो आपको क्या करना है, घुटने के दर्द के लिए एक जितना आप यूज कर सकते हो गुनगुना पानी लेना है, एक बाल्टी में गुनगुना पानी लेना है और उसमें एक चम्मच सेंधा नमक डालना है। फिर क्या करना है, आपको एक तौलिया लेना है और पानी में डुबोकर अपने घुटने पर रखना है। आप इसको 10 से 15 मिनट करना है, थोड़ा गुनगुना पानी हो, ठंडा पानी ना हो, इस चीज़ का याद रखना। आप डेली इसको करना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 दिन करना है। 7-8वां दिन आपको मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं वो क्या करता है, वो भी यही काम करता है। कहीं ना कहीं जो आपकी जो टिश्यू है, जो मसल्स है, जो लीगामेंट है, वे टूट गए हैं तभी तो आपको पेन है, तो उनको रिपेयर करने का काम फिजियोथेरेपिस्ट करता है। वही काम फ्री में आप अपने घर पर कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि लोग 1-1 साल 1.5-1.5 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यहाँ तक कि 10-10 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता। कहते हैं सर जब तक मेडिसिन ली तब तक रिजल्ट आया लेकिन जैसे ही मेडिसिन बंद करते हैं और दर्द फिर शुरुआत हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि आप सेंधा नमक का खाने में भी इस्तेमाल करें और सेंधा नमक से सिकाई करें। मान के चलिए आपको गुर्दे में, वो गर्दन में दर्द है, गर्दन में या दर्द है और आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो वहाँ पर भी वही काम हो रहा है। लेकिन यदि आप गुनगुने पानी से सेंधा नमक डालकर अपने गर्दन की सिकाई करोगे तो विश्वास मानिए 6-7वें दिन आपका गर्दन का दर्द, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल, आजकल तो हर तीसरा चौथा आदमी कहता है सर मुझे सर्वाइकल हो गया है, ठीक है ना, उस सर्वाइकल को ठीक करने के लिए, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पंडलाइटिस, यदि मैं मेडिकल टर्म में इसको इस्तेमाल करूँ, इतनी बेस्ट मेडिसिन ही कहूँगा, इतनी बेस्ट चीज़ है सेंधा नमक। और एक सबसे बड़ी बात है, हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है। आप किसी भी पंसारी के पास चले जाइए और मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप पिज़्ज़ा पिसाया सेंधा नमक ना लें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। आप सेंधा नमक के टुकड़े आते हैं, आप उसको घर पर ही पीसे जितना आप पीस सकते हो। आजकल तो मिक्सी है, मिक्सी में भी आराम से पीस जाता है। मार्केट से मत लीजिए क्योंकि मार्केट से थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको और फिर मार्केट से कैसा आ रहा है वो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन आप यदि उसको टुकड़ों में लोगे, पत्थरों में लोगे तो उसको हमें पता है कि नेचुरल है, ठीक है ना। आप सिकाई कीजिए, चाहे आपके एडी में दर्द, आजकल बहुत सी महिलाएं हैं वे कहती हैं कि मेरे एडी में दर्द है, आप एडी की सिकाई कीजिए, सेंधा नमक डालकर एडी की सिकाई कीजिए। कमर में दर्द है आपके, कमर के दर्द की आप सिकाई कीजिए। कहने का मतलब है जहाँ पर भी आपको दर्द है और सूजन है, विश्वास मानिए आपका दर्द है बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
जितने भी मेरे पास पेशेंट आते जो अर्थराइटिस के हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं, जो कहते हैं रोमेटिस हैं 20 साल से, वे मैंने ठीक किए हैं। कुछ मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन दी है उसमें, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी है, और मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप सेंधा नमक में सेकना स्टार्ट कीजिए। जब ये सेंधा नमक में सेकना स्टार्ट करते हुए चौथे पाँचवें दिन कहते हैं, सर मेरे जो पेन है, मेरा जो दर्द है, उसको 50% आराम हो गया। कोई कोई कहता है सर 100% ठीक हो गया। तो ये सेंधा नमक के वाकई रिजल्ट हैं, ठीक है ना। आप एक बार इस्तेमाल करने में कुछ नहीं जा रहा है, कोई इतना पैसा भी खर्च नहीं होगा कि आप की कोई नुकसान हो जाएगा। आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, घर पर इजीली कर सकते हो। आपके घर में किसी न किसी को दर्द ज़रूर होगा, आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में दर्द नहीं है। यदि हम अपने मदर फादर की बात करें या किसी दादा दादी की बात करें, सबको घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द है, कोले में दर्द है, ठीक है ना। किसी को फ्रैक्चर आ गया, देखिए फ्रैक्चर हो जाता है और उसमें जो जॉइंट है, फ्रैक्चर के बाद स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न आ जाती है, उसके लिए भी तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो। उससे पहले आपको क्या करना है, सेंधा नमक में सेकना है, वाइट नमक नहीं लेना। ये बात रखना, ये भी आता है कि सर वाइट नमक ले सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ है ना वो सेंधा नमक में है, और जो सूजन को दर्द को खींचने की शक्ति है वो सेंधा नमक में है, जिसको हम पिंक साल्ट भी कहते हैं। यदि हम आजकल पिंक साल्ट के नाम से इंटरनेट पर बहुत ट्रेंड हो रहा है, बिक रहा है, ठीक है ना, लेकिन देसी भाषा जो हम सिंपल यूज करते हैं वो सेंधा नमक करते हैं। आराम से मिलता है, हर पंसारी में मिलता है, और कोई भी महंगा नहीं है। एक बार इस्तेमाल कीजिए किसी भी दर्द में, खाने में इस्तेमाल कीजिए। आप यदि रेगुलर इस्तेमाल करोगे, देखना आपका जो हाई बीपी रहता है वो कंट्रोल में हो आ जाएगा, ठीक है ना। इसके इतने फायदे हैं, आपका जो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में हो, चिड़चिड़े हो, गुस्सा हो, वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक तरह का ही गॉड गिफ्ट कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं हम छोड़ आए हैं 30-40 साल पहले, जब से वाइट नमक हमारी मार्केट में आया है, हमारे घर में आया है, इसको हमने छोड़ दिया है। एक बार इसको अपना के देखिए, आप कहोगे सर वाकई इसके इतने अद्भुत रिजल्ट हैं। एक बार इस्तेमाल करना, हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करना, फिर आप मुझे चाहे कमेंट में बताना, चाहे जो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है मुझे मैसेज करना, सर मैंने ये इस्तेमाल किया है और मुझे ये रिजल्ट आए हैं। और वाकई रिजल्ट आएगा कि पिछले 10 साल से मैं अपने जो पेशेंट है ना सबको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए सबको मैं ये बात कहता हूँ कि आपको सेंधा नमक खाना है। ये कहीं ना कहीं जब पूछते ना कि आपको पेशेंट पूछता है कि सर परहेज क्या करना है, मैं कहता हूँ कि परहेज बाद की बात है, लेकिन आपको खाने में सेंधा नमक इस्तेमाल करना है। जिसको सूजन है, जिसको पैरों पे सूजन है, या जिसको पेट में सूजन है, एसाइटिस है, जिसको पेट में पानी भरा हुआ है, उसके लिए आप सेंधा नमक इस्तेमाल करना। क्योंकि देखिए नमक तो आदमी खाएगा ही। आप कहते हैं कि नमक कम कर दो, यानी बहुत सी बीमारी है जैसे कि उसमें नमक बिल्कुल बंद किया जाता है, आप बंद मत कीजिए, आप उसमें सेंधा नमक डालिए, जिससे कि जो पेशेंट है वो खाना भी खा सकता है और उसको परेशानी भी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और जाते जाते एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।